में अकाउंट्स में आज अपन एक नया चैप्टर सीखेंगे, नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या होता है? देखिए, मान लेते हैं कि एक अकाउंटेंट ने बहुत अच्छे से अकाउंट सीखा, कैसे बनाते हैं, और फिर अच्छे से बनाए भी। अगर उसने जनरल वाला रास्ता लिया, पहले जनरल बनाया, लेजर पोस्टिंग किया, या हो सकता है उसने सब्सिडियरी बुक्स बनाया, फिर लेजर बनाया, बहुत ध्यान से काम करने के बाद भी पॉसिबल है कि उससे कुछ गलती हो जाए। जब वो मैनुअल अकाउंटिंग करता है, अपने हाथों से अकाउंट्स लिखता है, तो कभी गलत साइड में लिख देता है, कभी टोटल गलत हो जाता है, कभी बैलेंस गलत निकल जाता है, कभी वो बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड यानी आगे लाना भूल जाता है। देखिए, इंसान है, गलती हो जाती है। तो अब एक मैकेनिज्म है कि अगर गलती हो गई तो कोई बात नहीं। पहली बात तो वो गलती आपकी नॉलेज में आ जाए कि यार गलती हुई है, और अगर नॉलेज में आ जाए तो फिर उसको रेक्टिफाई करना। तो इस चैप्टर में गलती इन लोगों की नॉलेज में आ जाएगी और हम उसे रेक्टिफाई करना सीखेंगे। तो आगे आने वाले कुछ वीडियोस में आप अच्छे से मिस्टेक को समझिएगा और फिर इसे रेक्टिफाई कीजिएगा। एक मेरा एडवाइस आपको रहेगा कि इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते समय आप अपने आप को ऑलमोस्ट एक डॉक्टर की तरह मानना। जैसे डॉक्टर क्या करता है, अगर अच्छा डॉक्टर है तो क्या करता है कि पेशेंट जब आता है और अपने बारे में और अपनी बीमारी के बारे में बताता है कि उस किस चीज़ से सफ़र कर रहा है, क्या चीज़ परेशान कर रही है, अच्छे से समझने के बाद, सिम्टम्स को समझने के बाद वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि भाई आप ये दवाई ले लेना। सिमिलर वे अकाउंटेंट को भी जब रेक्टिफिकेशन, एक बात ये भी समझो कि जो बंदा रेक्टिफिकेशन कर रहा है उस अकाउंटेंट का लेवल थोड़ा हाई लेवल का होगा, वो थोड़ा सीनियर अकाउंटेंट होगा। जूनियर अकाउंटेंट ने मिस्टेक कर दी, अब एज अ सीनियर अकाउंटेंट आपका ये काम है कि आप मिस्टेक को अच्छे से समझो कि मिस्टेक किस स्टेप पे हुई है और फिर उसे रेक्टिफाई करो। अगर आपने किया तो फिर आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। मेरा कहने का मतलब है, आंसर से ज़्यादा इस क्वेश्चनों में प्रॉब्लम मैटर करती है कि प्रॉब्लम है क्या। आप केस स्टडी समझो कि केस को स्टडी करो, फिर आप अपना रिस्पॉन्स दो। देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर वन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ऑफ प्रिंसिपल। इस बात पर भी मत जाओ। रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, रेक्टिफाई मतलब सही करना। क्वेश्चन वन, पेड वेजेस फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। आराम से, पेड वेजेस, हमने वेजेस पे किया, क्यों किया? कंस्ट्रक्शन हो रहा था ऑफिस का, मान लो हम अपने लिए ऑफिस बनवा रहे हैं और हमने उसके लिए पेमेंट किया। आप सोचो, अगर आप ऑफिस बनाओगे तो क्या होगा? दो चीज़ें होंगी, एक तो आप मटेरियल खरीद के लाओगे, और एक जो बनाने वाला बंदा है या जो ठेकेदार है आप उसको पैसे दोगे। अब होगा ये कि जब आप पैसे दे रहे हो ऑफिस के लिए, तो आपकी एक बिल्डिंग बन रही है, तो कैश है जो हम दे रहे हैं और ये पैसा हम बिल्डिंग के लिए दे रहे हैं। सो बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश। अब ये जो हमने लिखा है इसे हम बोलते हैं करेक्ट एंट्री। अगर हम जनरल को करेक्ट तरीके से सॉल्व करते तो एंट्री होती है बिल्डिंग अकाउंट DR टू कैश। नाउ द प्रॉब्लम इज कि इस मैटर को डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट, हमारा जो जूनियर अकाउंटेंट है जो उसको अकाउंट्स अभी इतना नहीं आता, उसने वेजेस को DR कर दिया। तो वेजेस अकाउंट DR उसने लिख दिया। तो हमको साफ समझ में आ रहा है कि जो लिखना था उसकी जगह कुछ और लिख दिया। तो पहली बात तो ये समझिए आप कि ये वेजेस अकाउंट जबरदस्ती बेवजह DR हो गया। तो अब आप इसको CR करेंगे, तो वेजेस को तो आप करेंगे CR और बिल्डिंग को करेंगे DR। कि सर ये क्या आंसर हुआ? जो होना चाहिए वो कर दो, क्योंकि ये तो होने से रह गया, तो ये काम तो आप कर दो और जो आपने गलत किया है उसको रिवर्स कर दो। तो इस तरह से अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन होता है। अभी पहला कोई पॉइंट था, और सुनिए इस बात को दो चार बार। पेड कार्टेज फॉर द न्यूली परचेज फर्नीचर ₹500 पोस्टेड टू कार्टेज अकाउंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट है। सपोज कीजिए कि हमारे ऑफिस के लिए ऑफिस बन गया, उसके बाद हमने एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, मान लेते कस्टमर को
बैठाने के लिए हमने एक सोफा खरीदा जो कि 10,000 का था। अब सोफे को हम तो उठा के लाएंगे नहीं, गाड़ी वाला लेके आएगा। अब गाड़ी वाले को हमने 500 रुपये दिए, तो हमारे अकाउंटेंट ने कैश दिया और गाड़ी वाले को दिया, तो उसने लिख दिया कार्टेज। व्हाट ही रोट, उसने क्या लिखा, कार्टेज अकाउंट डी आर टू कैश। बात ये समझिए कि आपने जो पैसा दिया है वो फर्नीचर को लाने में दिया है, तो जो पैसा दिया गया है अल्टीमेटली फर्नीचर के लिए दिया गया है, तो फर्नीचर डी आर होगा। कभी देखो मैं करेक्ट एंट्री को पहले लिख दूंगा और कभी मैं रॉन्ग एंट्री को पहले लिख दूंगा, क्योंकि मुझे केस समझ में आना चाहिए। मैंने पढ़ लिया, मैं आपको दोबारा पढ़ा देता हूँ। हमने कार्टेज का पैसा पे किया और ये हमने फर्नीचर नया नया मंगाया था और हमने इसे पोस्ट कर दिया, कहाँ पे, कार्टेज में। अकाउंटेंट ने इस पैसे को कार्टेज में पोस्ट कर दिया जबकि पैसा फर्नीचर के लिए दिया गया था। अगर आपको ये बात समझ नहीं आई हो बाय द वे, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको प्लीज़ देखिएगा। उसमें बताया गया है कि जब हम किसी असेट के लिए पैसा देते हैं, असेट के लिए पैसा देते हैं, तो असेट को डीआर करना चाहिए। इन्होंने गलती की है, कुछ और डीआर कर दिया है। नाउ जब हमें गलती का एहसास हो गया है, आपको भी एहसास हो गया होगा, तो अब इस कार्टेज को अपन रिवर्स कर देंगे। जो कार्टेज डीआर हो गया था रॉन्गली, उसे हम सीआर कर देंगे और ऊपर आ जाएगा फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट डीआर टू कार्टेज। तो अकाउंटेंसी में अगर गलती हो जाती है और गलती बाद में ढूंढ ली जाती है, कि सर गलती कौन ढूंढता है, ऑडिटर होता है जो अकाउंट्स के ऑडिट करता है, वो गलती ढूंढ लेते हैं। कभी कभी इंटरनल चेक की व्यवस्था होती है, इंटरनल चेक में ऐसा होता है कि एक की गलती दूसरा ढूंढ लेता है, तो वहाँ गलती पकड़ में आ सकती है। अब आप प्लीज़ ये मत कहिएगा कि फर्नीचर की जगह कार्टेज लिख दिया तो कौन सा पहाड़ गिर गया एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता। अकाउंट्स में हाथ झटकाने से काम नहीं चलता, जिम्मेदारी लेने से काम चलता है। चलिए और सुनिए। पेड रुपी 5,000 फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, फॉर एग्जांपल कि हमारी फैक्ट्री के लिए, या चलो ऑफिस की बात चल रही है, मान लीजिए हमने ऑफिस के लिए एसी खरीदा, एसी लेके आ गए 50,000 वाला। अब तुम्हें तो एसी लगाना आता नहीं है, तो तुम किसी को बुलाओगे इंस्टॉल करने के लिए। बात यह है कि जब तुम इंस्टॉल करने के लिए, वो आया, उसने इंस्टॉल कर दिया और आपने पैसा दिया, तो कैश गया। अब अकाउंटेंट को लगा, जो मेरे जूनियर अकाउंटेंट है, उसको लगा कि हम जो दे रहे हैं वो मजदूरी है, जो बंदा इंस्टॉल करने आया है हम उसे दे रहे हैं वो मजदूरी है, तो उसने वेजेस को डीआर कर दिया। कुछ लोग इंस्टॉलेशन एक्सपेंस डीआर कर देते हैं, तो उसने वेजेस को डीआर कर दिया, जबकि वो पैसा एसी के लिए दिया गया था, तो एसी डीआर होना चाहिए था। अब प्रेजेंट कहानी पे आते हैं। हमने 5,000 रुपये दिया था इंस्टॉलेशन किसकी, मशीन की, यानी अल्टीमेटली ये पैसा मशीन के लिए दिया गया था, तो मशीनरी को डीआर करना चाहिए। तो मशीनरी को डीआर करना चाहिए और उसकी जगह हमने वेजेस को डीआर कर दिया। अगर आपको ये मिस्टेक समझ, अब आप देख रहे हो, अगर आपने ये दोनों सही सेट कर दिए कि व्हाट वाज करेक्ट एंड व्हाट इज रॉन्ग, अगर आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि सही क्या था और गलत क्या था, तो फिर 2 मिनट का काम बचता है। अब हम वेजेस को सीआर करेंगे। कि सर सीआर क्यों करोगे, एक वर्ड होता है नलीफाई, कि सर क्या नलीफाई, मतलब कोई चीज़ हो जाती है ना तो उसके असर को ख़त्म करने के लिए। जैसे एक होता है वर्ड एंटीडोट, कि जैसे मान लो किसी की बॉडी में अगर जहर फैल गया, पॉइजन फैल गया, तो उसका एंटीडोट दोगे तो वो जहर असर नहीं करेगा। तो वेजेस डीआर कर दिया, इट्स लाइक अ जहर, पॉइजन फैल गया, आप जैसे उसको सीआर कर दोगे तो वो उसका एंटीडोट है। तो वेजेस आ गया नीचे और मशीनरी आ गया ऊपर, तो तब जाके बेटा आपका आंसर हो जाएगा मशीन अकाउंट डीआर टू वेजेस, टू कैश आंसर नहीं है, है ना। बहुत सारे अकाउंटेंट ये गलती करते हैं कि जब रेक्टिफिकेशन करने जाते हैं तो ये वाली एंट्री लिख देते हैं कि सही है, बात सही की नहीं चल रही है। आपको सही को भी सोचना है और जो गलत हो गया है उस गलत को भी नलीफाई करना है, दैट इज अ ट्रिक। फोर्थ पॉइंट इज यस, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम गोविंद 50,000 वाज पास्ड थ्रू द परचेज बुक। अब हमने मशीन परचेज की है,
गोविंद से परचेज किया है। होशियार बच्चे जानते हैं कि परचेज बुक में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि परचेज बुक में गुड्स जाता है तो परचेज बुक में जाना ही नहीं चाहिए था। मशीनरी डीआर करनी चाहिए, मशीन कम्स इसलिए डीआर करनी चाहिए। मशीन हम गोविंद से लेके आए तो हमें गोविंद का नाम नीचे लिखना चाहिए, गोविंद इज द गिवर, मशीन टू गोविंद। अब हमने इसे परचेज बुक में लिख दिया, यानी हमने इसे क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स समझ लिया, तो एक तरह से परचेजेज अकाउंट डीआर टू गोविंद। देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको रूल्स के बारे में पता नहीं होता, बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में नहीं पता होता। एक अकाउंटेंट को ये क्लियर कट नॉलेज होनी चाहिए व्हाट इज असेट एंड व्हाट इज गुड्स। जिस चीज में डील करते हो वो गुड्स है और जो आपकी असेट है वो असेट है, ओके। जैसे मशीन फर्नीचर वगैरह, तो इसने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। मशीन हमने परचेज की और इसे इसने ऑर्डिनरी परचेज ट्रीट कर लिया। अब जब ये पिक्चर समझ में आ गई तो बच्चा जानता है क्या करने वाले हैं सर, कि जिसे हमने गलती से डीआर किया है उसको सीआर कर देंगे और जिसे डीआर होना चाहिए उसे डीआर करेंगे। हालांकि रेक्टिफिकेशन चैप्टर इतना भी आसान नहीं होता, अभी तो यह पहला लेक्चर है तो बहुत ऑब्वियस है कि मैं तुम्हें आसान आसान पॉइंट ही बताऊंगा, लेकिन फिर भी आपको समझ में आ रहा है तो वेरी गुड। नेक्स्ट इज सोल्ड ओल्ड फर्नीचर टू राहुल वाज पास्ड थ्रू द सेल बुक। अब के बार हमने फर्नीचर को सेल किया है, फर्नीचर को सेल किया है तो क्या ये गुड सेल किया है? नहीं, हमने फर्नीचर सेल किया तो फर्नीचर गया। अगेन इस चैप्टर में भी अच्छी बात यह है कि इस बहाने आपका जर्नल, जो आपने जर्नल चैप्टर सीखा था, वो और क्लियर होता जाता है। तो हमने फर्नीचर को सेल किया और राहुल आएगा ऊपर, राहुल टू फर्नीचर, राहुल टू फर्नीचर, और इसे हमने सेल समझ लिया, इसे हमने ऑर्डिनरी सेल समझ लिया। और ऑर्डिनरी सेल्स क्या होता है? सीआर। तो राहुल टू सेल लिखा गया। सेल बुक में लिखने का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि सर ये इन्होंने कब लिख दिया, इन्होंने सेल बुक में चढ़ाया ना, इसका मतलब इन्होंने इसे ऑर्डिनरी सेल टू राहुल माना। अब सीआर होना चाहिए फर्नीचर को, तो फर्नीचर को तो करेंगे क्रेडिट, और सीआर सेल हो गया गलती से तो इसको करेंगे डेबिट। तो आप क्या नोटिस कर रहे हैं कि जो चीज़ हमसे गलत हो जाती है हम उसको उल्टा कर देते हैं। जैसे हमसे वेजेस गलती से डीआर हुआ तो हमने उसे क्रेडिट कर दिया, कार्टेज गलती से डीआर हुआ तो हमने उसे सीआर कर दिया, वेजेस गलती से डीआर हुआ तो हमने सीआर कर दिया, परचेज गलती से डीआर हुआ तो परचेज सीआर कर दिया। यहाँ पे सब समझ में आ रहा था आपको? इस क्वेश्चन में हमने सेल्स को गलती से सीआर किया तो आपको उसे डीआर करना होगा, ओके। लास्ट पॉइंट है बस, पेड 2000 फॉर न्यूली परचेज्ड टेबल फैन पोस्टेड टू परचेज अकाउंट। हमने नया टेबल फैन खरीदा तो ऑफिस के लिए खरीदा होगा ऐसा आप कह सकते हैं, तो आप टेबल फैन भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो ऑफिस इक्विपमेंट भी लिख सकते हैं। जो भी चीज़ आप ऑफिस को डेकोरेट करने के लिए खरीदते हैं या ज़रूरी होता है, जैसे घड़ी वगैरह, तो उसको यू कैन से ऑफिस इक्विपमेंट, जैसे टाइपराइटर वगैरह को भी। तो ऑफिस इक्विपमेंट के लिए आपने पैसा दिया और हमने गलती से परचेस के अकाउंट में पोस्ट कर दिया, गलती से हमने परचेस डीआर कर दिया। अभी भी मैं जानबूझ के एंट्रीज को उतना गहराई से नहीं पढ़ रहा जितनी और पढ़ने की ज़रूरत होती है, पर ठीक है। ऑफिस इक्विपमेंट की जगह परचेस डीआर हो गया, हमको हमने इसकी सॉरी मांगी, परचेस को क्रेडिट करेंगे और जिसे डीआर होना चाहिए, जिसे डीआर होना चाहिए उसे डीआर करेंगे। तो अल्टीमेट आंसर होगा ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डीआर टू परचेजेस अकाउंट। तो सर ये है आपकी करेक्ट एंट्री, ये है रॉन्ग एंट्री और ये है रेक्टिफिकेशन एंट्री। याद रखिएगा जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिखेंगे तो आपको केवल ये वाला कॉलम बनाना है, ये वाला एक्सरसाइज आपको सारा रफ के अंदर करना है। आपका टीचर मेन ये वाला आंसर चेक करेगा, तो ये आंसर नहीं है,
यू कैन से इट्स अ रफ वर्क बट वेरी मीनिंगफुल, बिना इसके होगा नहीं, बट मेन आंसर इज दिस. चलिए एक क्वेश्चन और देखेंगे. अभी एक क्वेश्चन अपन और देखेंगे. रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर लिटिल बिट टफ लग सकता है. हाउ विल यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर. रुपी 500 स्पेंट ऑन बिल्डिंग रिपेयर हैज बीन डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट. इन क्वेश्चनों की आप खासियत देखना. क्वेश्चन की अगर एक लाइन है तो शुरू की आधी लाइन बताती है क्या हुआ और फिर बची हुई आधी लाइन बताती है हमने क्या किया. काम आएगी ये बात. हमने 500 रुपये दिया है बिल्डिंग रिपेयर के लिए. अगर पैसा हमने रिपेयर के लिए दिया तो कैश हमारा गया और रिपेयर को डी आर करना चाहिए. भाई कभी हम कार रिपेयर कराते हैं, कभी हम मशीन रिपेयर कराते हैं, तो एक रिपेयर अकाउंट कॉमन हो सकता है, तो हमें रिपेयर को डी आर करना चाहिए था. लेकिन हमारे जो जूनियर अकाउंटेंट हैं, जो हमसे नीचे काम करते हैं, हैज़ बीन डेबिटेड टू द बिल्डिंग अकाउंट, उन्होंने तो बिल्डिंग को डी आर कर दिया. ठीक है, बिल्डिंग को उन्होंने डी आर कर दिया. अब जब ये बात हमें समझ में आ गई है कि क्या प्रॉब्लम हुआ है, बिल्डिंग को ज़बरदस्ती डी आर किया गया है, तो बिल्डिंग को आप सी आर करेंगे. यही तरीका है रेक्टिफिकेशन का कि गलत को उल्टा कर दो, उल्टा दो, और जिसे डी आर होना चाहिए, जो डेबिट डिजर्व करता है, उसे डेबिट भी करोगे तो रिपेयर को डी आर भी करना. तो बेटा जी तब आपका आंसर जो आएगा सामने वो होगा रिपेयर अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग अकाउंट. हमने बिल्डिंग का रिपेयर करवाया तो रिपेयर डी आर होना चाहिए था, गलती से हमने उठा के बिल्डिंग को ही डी आर कर दिया. अगर मैं बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में समझाता तो तुम्हें बोलता कि बेटा ये रेवेन्यू एक्सपेंसेस था और इन्होंने रेवेन्यू एक्सपेंसेस को कैपिटल एक्सपेंसेस समझ लिया, तो इतनी भारी बातें शायद आपको दिक्कत देती. बट एंड ऑफ द डे जब आप बड़े अकाउंटेंट बनने लग जाओगे तब आपको ऐसे ही समझना है कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ लिया, ये प्रिंसिपल एरर है. बाद में मैं ये भी समझाऊंगा, अभी के लिए समाचार है कि रिपेयर अकाउंट डी आर टू बिल्डिंग इसका सही आंसर है. नेक्स्ट, अ सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी अमाउंटिंग टू 600. मैंने क्या कहा, क्वेश्चन की आधी लाइन बताती है क्या हुआ था, हमने पुरानी मशीन को सेल किया था. हैज बीन क्रेडिटेड टू द सेल अकाउंट. अब हमने मशीन को सेल किया तो मशीन गई. अगर हमने मशीन को सेल किया तो मशीन गई और इन्होंने क्रेडिट कर दिया किसको, सेल्स को. तो भले आप पूरी एंट्री ना भी लिखो, जैसे हमने एक्स पर्सन को मशीन बेची तो हमें एंट्री करनी चाहिए थी एक्स टू मशीन. इंस्टीड ऑफ डूइंग दैट हमने कर दी एक्स टू सेल. तो ये जो अकाउंट है ये गलती से क्रेडिट हो गया तो आप इसे डेबिट करोगे, और जिसे क्रेडिट होना चाहिए उसे आप क्रेडिट करोगे. ठीक है, तो सेल अकाउंट डी आर टू मशीन, जिसे क्रेडिट होना चाहिए उसे क्रेडिट करो, जो गलती से क्रेडिट हो गया है उसे उल्टा कर दो. और इस तरह से ये एंट्री 600 से हो गई. नेक्स्ट, रुपी 200 सैलरी पेड टू कैशियर बी नायडू. हमने 200 रुपया सैलरी पे किया है कैशियर को जिनका नाम बी नायडू है. अगर हम सैलरी का पैसा दे रहे हैं तो हमें सैलरी को डी आर करना चाहिए, इररिस्पेक्टिव हम सैलरी किसी को भी दें. हम नरेशन में जरूर लिख सकते हैं कि बीइंग सैलरी पेड टू बी नायडू, हम ब्रैकेट में ये बात जरूर लिख सकते हैं, लेकिन ऊपर तो मेन अकाउंट में अपने को सैलरी को डी आर करना चाहिए. लेकिन ये कहते हैं स्टैंड्स रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट. रॉन्गली मतलब गलती से डेबिट हो गया उसके पर्सनल अकाउंट में, गलती से वो उसके पर्सनल अकाउंट में डी आर हो गया. तो यानी हमारे अकाउंटेंट ने जब पैसा दिया तो कैश नीचे लिखा और उन्होंने बी नायडू को ऊपर लिख दिया, ये बिल्कुल गलत है. तो जो गलत है उसे उल्टा कर देंगे, उसे हम उल्टा कर देंगे, और जो होना चाहिए उसे हम रिकॉर्ड कर देंगे. तो सैलरी अकाउंट डी आर टू बी नायडू इस तरह से हम लिखेंगे. नेक्स्ट, 5000 पेड फॉर फ्रेट ऑन मशीन परचेज्ड. मशीन जो हमने परचेज की थी, फ्रेट मैंने भाड़ा होता है उसका, 5000 रुपये हमने भाड़ा दिया.
ठीक है। तो 5000 रुपये हमने जो फ्रेट दिया है वो मशीन की खातिर दिया है, तो मशीन अकाउंट DR होना चाहिए 5000 से। वैसे मुझे पूरा पहले पढ़ देना चाहिए, वाज डेबिटेड टू द फ्रेट अकाउंट एज 500। इन्होंने DR कर दिया फ्रेट को और 500 से, तो इसमें डबल मिस्टेक है। इन्होंने मशीन अकाउंट की जगह फ्रेट अकाउंट में जाके 500 रुपये लिख दिया। वेल, जो DR होना चाहिए उसे DR करो, जो डेबिट डिजर्व करता है उसे डेबिट करो, जो गलती से DR हो गया है उसे CR करो। अब इतना करने से भी बात बनेगी नहीं, क्यों बेटा? क्योंकि यहाँ 5000 है और यहाँ 500 है, तो दोनों के बीच में गैप रह गया। इस गैप के लिए अपन सस्पेंस यूज़ करेंगे। इससे पहले सस्पेंस आपने कहाँ वर्ड सुना था? ट्रायल बैलेंस में। जब ट्रायल बैलेंस में मिसमैच रह जाता है तो भी हमने सस्पेंस रखा था, और अब जब एंट्री का मिसमैच होगा तो वो उसी अकाउंट में जाएगा। बाकी जो डिटेल में मैं आगे आने वाली वीडियोज़ में और बात करूँगा आपसे, इस एंट्री में अमाउंट के मिसमैच की वजह से आपको सस्पेंस की ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज फर्नीचर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन सिंह, 1000 वाज एंटर्ड इन द परचेज बुक। जब आप होशियार हो जाओगे ना तो एंट्री पढ़ते ही लाइक सारा आपको समझ आ जाएगा। हमने फर्नीचर परचेज किया था तो फर्नीचर को DR करेंगे, और फर्नीचर हमने किन से परचेज किया बेटा? मोहन सिंह से। फर्नीचर टू मोहन सिंह 1000। प्रॉब्लम ये है कि इसे इन्होंने एंटर कर दिया परचेज बुक में, इन्होंने इसे एंटर कर दिया परचेज बुक में, तो परचेजेस टू मोहन सिंह। यहाँ पे भी मैं कहूँगा कि अकाउंटेंट थोड़ा सा अनएक्सपीरियंस्ड है, उसे फर्नीचर और गुड्स का फ़र्क ही पता नहीं है, तो जो उसने गलत DR किया है उसे CR करेंगे, और जो DR होना चाहिए वो तो DR होगा ही। द कंप्लीट आंसर इज फर्नीचर अकाउंट DR टू परचेज अकाउंट, और आपका एग्जामिनर जो है वो यही आंसर चेक करेगा। हाँ, वो रफ के अंदर आपका ये कैलकुलेशन जरूर देखेगा, या इसे कहें वर्किंग नोट जरूर देखेगा, जहाँ बताएंगे कि करेक्ट एंट्री क्या थी और रॉन्ग हमसे कहाँ गलती हुई, और फाइनली लेकिन वो चेक ये करेगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। और अगर कोई आपसे पूछ ले कि रेक्टिफिकेशन एंट्री कहाँ जाती है, तो आप जवाब देंगे इस तरह की एंट्री जर्नल प्रॉपर में जाती है। जर्नल प्रॉपर क्या होता है, इसके लिए आपने सब्सिडियरी बुक्स वाला वीडियो देखा होगा। ₹374 पेड फॉर द मोटर कार रिपेयर वॉज डेबिटेड टू द मोटर कार अकाउंट एज 174। हमने पैसा दिया रिपेयर के लिए, द रियल रीजन फॉर पेमेंट रिपेयर, तो हमें रिपेयर को DR करना चाहिए। अब हमने रिपेयर को DR करने की जगह मोटर कार को DR कर दिया, हमने उसकी जगह मोटर कार को DR कर दिया 174 से। इसमें भी डबल मिस्टेक है, अकाउंट की भी और अमाउंट की भी। तो जिसे गलत DR कर दिया उसे तो आप CR कर दो, जो DR होना चाहिए उसे DR भी आप कर दो, और आप ये देखेंगे कि एंट्री में मिसमैच है, इधर और इधर में मिसमैच है, तो उस मिसमैच का अमाउंट है 200 रुपया, उसके लिए आप सस्पेंस लिखेंगे और सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे। ओके, तो मोटे तौर पे बात क्या समझ आई? जो सही है उसे कर दो, और जो गलत किया है उसे उल्टा कर दो। बाय द वे अमाउंट में मिसमैच रहता है तो सस्पेंस अकाउंट की हेल्प लेना। चलिए, हो गया।